बहुत चुका लिया। आज मैं देवी माँ की कसम खाकर कहती हूँ, अब मैं खुद को इतना मजबूत बनाऊंगी, इतना कठोर बनाऊंगी कि ना टूटूंगी ना ही झुकूंगी। इस देवी माँ के आशीर्वाद से अपने आप को इतना सक्षम बनाऊंगी बहुत जल्द कि आपके सारे पापों की सजा दूंगी आपको। उस दिन देवी माँ हो या गायत्री माँ, दोनों मेरे साथ खड़ी होंगी, आपके साथ नहीं। और उस दिन आपको मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। तो ये जरूर जरूर रौनक का काम होगा, वही लेके आया होगा मेरी देवी माँ की मूर्ति यहाँ पर। चलिए, ये जगह ना तो मेरी देवी के लिए सही है और ना ही मेरे देवता समान पति के लिए। चलिए घर चलिए, मंदिर में जल्दी से देवी माँ को स्थापित कर दीजिए। आइए आइए। बेटा मुझे माफ कर देना, तेरे साथ दुल्हनों वाले जो रसम होते हैं, रिवाज होते हैं, वो मैं कर नहीं पा रही हूँ। हाँ, आपने मुझे अपना लिया है ना, बस तो फिर इन रीति रिवाजों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिना रिवाजों के भी मैं ये रिश्ता पूरी तरह से निभाऊंगी, और जिसे मैंने अपना पति माना है उसके लिए मैं किसी भी पत्नी धर्म से कभी पीछे नहीं हटूंगी। फिर कभी ना कभी तो रौनक जी मुझे अपना मानेंगे। वैसे तो हम यहाँ आपके साथ खड़े होने लायक भी नहीं है, गुनहगार हैं आपके, गलती की हमने, पता नहीं किस मुंह से माफी मांगे। देखिए, हमने आपको बहुत तकलीफ दी है, बहुत दुख झेला आपने हमारी वजह से, और आप हमें माफ कर पाए या ना कर पाए हम ये तो नहीं जानते, लेकिन हम अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। और हम नहीं चाहते कि आप किसी भी तरह की, और मतलब आपको तकलीफ हो या दुख हो, दुख झेलना पड़े किसी भी तरह का। तो हमने ये फैसला किया है कि जब तक आप यहाँ रहेंगे आपको तकलीफ होगी, दर्द होगा, इसलिए प्लीज आप यहाँ से वापस चले जाइए। और हम आपके मम्मी डैडी से बात कर लेंगे, हमें जो भी सजा देनी होगी हम चुपचाप सह लेंगे, कड़ी से कड़ी सजा, क्योंकि हमसे गलती हुई है, हम गुनहगार हैं, इसलिए हम कुछ नहीं कहेंगे, चुपचाप सब कुछ सुन लेंगे। बस काजल जी अब चले जाइए। रौनक जी कहाँ चले जाए हम, और क्यों जाए हम, आखिर है तो आपकी पत्नी ही ना, तो जितना आपका इस घर पे आके उतना हमारा भी तो हुआ। एक मिनट,
ये देखिए रौनक जी, ये कोर्ट के पेपर्स, ये मैरिज सर्टिफिकेट साफ साफ बता रहा है कि ये लड़की जो हाथों में कानूनी कागज और आंखों में उम्मीद लिए खड़ी है ना, वो आपकी पत्नी मिसेस काजल रौनक सिंह है। की पत्नी होने के नाते मैंने सिर्फ आपके नाम को ही नहीं अपनाया है, बल्कि आपके सुख और दुख को भी अपनाया है, आपके हर रिश्ते नातों को भी अपनाया है। वो रिश्ते जिनके नाम है और वो भी जिनका कोई नाम नहीं, यहां तक कि मुस्कान को भी। हाँ रौनक जी, आज मैं पूरे परिवार वालों के सामने ये कहती हूँ कि मैं मुस्कान को स्वीकार करती हूँ। दिमाग लॉस्ट क्या है क्या आपका? विक्की क्या बोल रही हैं आप? ये नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? आपने भी तो पूरे दिल से मेरा दिल जीतने की कोशिश की थी ना, उस वक्त आप मुझे अपना बनाना चाहते थे, मैंने भी आपको अपना मान लिया था रौनक जी। आपने सिर्फ मेरा विश्वास ही नहीं रौनक जी, बल्कि मुझे जीता है, तो फिर मैं कैसे हार जाऊं? कि मैं तो आपको हर नजर से अपना पति मान चुकी हूं। ये सच तो ये है कि हाँ, हमने विधि के हिसाब से अब तक सात फेरे नहीं लिए मंडप में, और ना ही हम अग्नि को साक्षी मानकर कोई गठबंधन में बंधे हैं, लेकिन ये कोर्ट के पेपर्स आपको और मुझे जीवन भर के लिए बंधन में पहले ही बांध चुके हैं। मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ रौनक जी, अगर सब कुछ नॉर्मल होता और आपके सर पर और कंधों पर ये मजबूरियों का बोझ नहीं होता, तो फिर आज आप मुस्कान के नहीं मेरे साथ खड़े होते। जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, और जिस भी वजह से आप मुस्कान जी के साथ है ना, उसके बारे में मैं सवाल कर ही नहीं रही हूँ। लेकिन हाँ रौनक जी, सच तो ये है, आपकी पत्नी होने के नाते आपके अच्छे और बुरे वक्त में मुझे आपके साथ देना चाहिए। तो अब आप जो कहें। रौनक जी, मैंने दिल से आपको अपनाया है और मैं दिल से इस रिश्ते को निभाऊंगी भी। मैं भी काजल के साथ ये रिश्ता निभाऊंगी। मैं भी काजल भाभी के साथ इस खूबसूरत रिश्ते को अपनाने के लिए तैयार हूँ। हम सब, पूरा परिवार, काजल को ही अपनी बहू मान लिया है। तो ठीक है फिर, जब पूरा परिवार काजल को अपनी बहू मान चुका है, इस रिश्ते को अपना चुका है, तो फिर क्यों ना हम दुनिया के सामने इस रिश्ते को लाएं। इसीलिए आज रात तुम्हारे और काजल की रिसेप्शन होगी और तुम पूरी दुनिया के सामने इस रिश्ते को स्वीकारोगे। काजल को अपने पत्नी के रूप में सबके सामने स्वीकारोगे रौनक। नहीं, ये हमसे नहीं होगा। अगर रौनक जी की यही मर्जी है तो ठीक है फिर, लगता है ये रस्म मेरे नसीब में कभी थी ही नहीं। नहीं, तुम्हारी किस्मत इतनी बुरी नहीं है, ये रस्म होगी और होकर रहेगी। बस तुम तैयारियों में लग जाओ और मुझे भी थोड़ा सा वक्त दो तैयारियों के लिए। जरा आइए आप मेरे साथ। बिल्कुल चिंता मत कर, हम सब तेरे साथ हैं। हम सब मिलके उस मुस्कान को इस घर से बाहर निकाल करेंगे।
पक्का आप सब लोग मेरा साथ देंगे? हाँ बेटा। मुस्कान चलो हमें मंदिर जाना है। मुझे इस वक्त कहीं नहीं जाना, आप प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। अपनी मर्जी अपने फायदे के लिए नहीं जा रहे। जया मासी का फोन आया था, तुमसे मिलना चाहती है।